वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे आज, और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो हो रहा है दोपहर की 1:30 बज रही है। मैं जस्ट अभी सो गई थी, मैं मतलब काम करते करते सो गई थी। हालत देख सकते हो आप लोग मेरी, और अभी जस्ट उठी मैं तो देखो आप, यहाँ पे इतना सुंदर वेदर हुआ है। मतलब 2-4 दिन से, जब से मेरा बर्थडे था उसके बाद से यहाँ पे कंटिन्यू बारिश आ रही है। अभी हल्की हल्की बूंदे मेरी मुंह पे भी आ रही है, कंटिन्यू यहाँ पे बारिश आ रही है, एकदम जबरदस्त वाली बारिश आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा मतलब अच्छा मौसम हुआ है। देख रहे हो गाइस आप लोग, क्या जबरदस्त यहाँ पे बारिश आ रही है, और हवा देखिए, हो मजा आ गया। हल्की हल्की गाइस बारिश भी आने लगी है, देख सकते हैं आप लोग, बारिश आने लगी है। देखो जबरदस्त मौसम हुआ है। तो चलो मैं थोड़ा सा छत में जाके आप लोगों को दिखाती हूँ, बड़ा मस्त यहाँ पे मौसम हुआ है। थोड़ा आप मौसम देख लो, एंजॉय कर लो मौसम के, फिर मैं नीचे चलती हूँ क्योंकि बारिश आने लगी है। मजे ले रही हूँ, वैसे तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि कोरोना टाइम है और बोलते हैं लोग कि बीमार पड़ जाएंगे, फर्स्ट फर्स्ट बारिश आई श्रावण की, बट मैं तो बारिश के मजे ले रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पे हवा चल रही है, जबरदस्त हवा चल रही है, और बारिश भी आ रही है। थोड़ी बहुत भीग गई हूँ, लेकिन ठंड बड़ी जबरदस्त। अंदर इतनी उमस हो रही थी अभी जस्ट, मतलब आधे घंटे पहले सोई थी मैं। उससे पहले मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी तो इतनी गर्मी हो रही थी, और अभी मतलब अचानक से मैं नीचे लंच बनाने के लिए जा रही थी, मतलब उठ के लंच बनाने के लिए, क्योंकि एडिटिंग करके मुझे नींद आ जाती है, तो लंच करने के लिए जा रही थी। देखिए आप लोग, जबरदस्त बारिश आ गई। तो चलो थोड़ा सा एंजॉय करके उसके बाद नीचे चलती हूँ। ओके, आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत, मैं छत में गई थी और इतनी ज्यादा भीगी हूँ ना, और अभी मैं जाती हूँ कपड़े चेंज करने, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर पानी में रही तो बीमार पड़ जाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि मौसम, हाय हाय, जबरदस्त मौसम हो गया है, मजा आ रहा है। तो मैं चलती हूँ नीचे, फिर आपको बाद में मिलती हूँ। ओके बाय, पहले हाय बोल। तो गाइज ये देख सकते हैं आप लोग, उसका अमरूद है, बहुत टेस्टी हो रहा है, बड़े हो गए हैं काफी ज्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ, पेड़ दिखाती हूँ, उस पेड़ के छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, और हैं उसमें, तो ये निकाला हमने अभी, बहुत मीठे हैं, बहुत ज़्यादा मीठे। ये है पेड़, आप लोगों को थोड़ा बहुत अमरूद दिख रहे होंगे इस पे, ये देखिए। Thank you.
कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, कल जब शाम को कल जब दोपहर में बारिश आई थी, जब मैं छत में गई थी, उसके बाद से मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं की क्योंकि इवनिंग में मुझे टाइम ही नहीं हुआ कि मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाऊं, क्योंकि तब से लगातार यहाँ पे बारिश आ रही थी और शाम को मे भी यहाँ पे बारिश बंद हो गई थी, बट अभी आज मॉर्निंग में, आज नेक्स्ट डे है, तो फिर यहाँ बारिश शुरू हो गई है। और मतलब हल्की हल्की बारिश है, बट मौसम सही हुआ है, ठंडा हो गया है बाहर। लेकिन वही हमारे यहाँ तो बारिश जब ज्यादा आती है तो पानी भर जाता है, तो पानी पूरा भर चुका है। मैं आपको थोड़ा सा अभी वेदर दिखा देती हूँ बाहर का, और उसके बाद मैं आज मैं भी आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए, आज ही इवनिंग तक ही इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगी, ज्यादा लेंथी मुझे इस वीडियो को नहीं बनाना है। तो चलो, ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, आपको थोड़ा सा बाहर का वेदर दिखाती हूँ। तो देखिए, ये वही पेड़ है जिसका अमरूद मैं कल शाम को खा रही थी, बहुत अच्छे इस पे अमरूद हुए, तो मैं आपको दिखाती हूँ वेलकम से। गाइज, ये देखो हमारे अमरूद का पेड़, कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आई, मतलब तेज़ बारिश आई, तो अमरूद का पेड़ ना इधर उधर फैल गया है, देख रहे हो आप। इस पे अमरूद भी लगे हैं, आई आप लोगों को दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे, देखो वो दिख रहा है आपको, देखो बहुत सारे हुए हैं, बट अभी सारा ग्रीनरी हुआ है ना, इसलिए दिख नहीं रहा आपको क्लियर। एक वो है देखो, वो सामने पे वो है, और कुछ वहाँ पे भी हो रखे हैं, देखिए वो देखो ग्रीनरी है, इस वजह से नहीं हो रहा है। और हमारे ही सामने के घर के सामने पे एक पेड़ और है अमरूद का, ये देखो इस पे बहुत सारे अमरूद, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, ये देखो बहुत सारे इस पे भी अमरूद हैं। और बारिश देख सकते हैं आप लोग, झमाझम लगी हुई है। ये देखो हमारे घर के आगे की ग्रीनरी,
अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में. शाम का टाइम हो चुका था, मैं किचन में आ चुकी हूँ और अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ. सो गाइज, मैंने आप लोगों को अपनी जैसे वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, तो मैंने रेसिपी भी शूट की थी. मैंने आलू की रसीलीदार सब्जी की रेसिपी शूट की थी जो कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करती. बट आजकल पता नहीं मेरे साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी वीडियो क्लिप मैं खुद ही डिलीट कर दे रही हूँ. मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी क्लिप मुझे डिलीट करनी है, कौन सी नहीं करनी है. मेरी बहुत गंदी मतलब बेकार आदत हो चुकी है ये. मैं अपने फ़ोन में जैसे वीडियो रिकॉर्ड करके रखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने ये वीडियो डाल दी तो इसको डिलीट मार देती हूँ. तो मैंने इसमें जो मैंने आपको बताया था आलू की रसीलीदार सब्जी की जो रेसिपी मैंने शेयर की थी वो क्लिप भी मैंने डिलीट कर ली है. और जो मैंने कल की वीडियो डाली है उस वीडियो में भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे से उसमें से भी एक क्लिप डिलीट हो चुकी थी. सो गाइस, पता नहीं आजकल ऐसा क्या हो रहा है कि मैं अपनी वीडियो मतलब जो भी मैं शूट कर रही हूँ डिलीट कर दे रही हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या क्यों कर रही हूँ और क्या हो रहा है. सो गाइज, मैंने रेसिपी तो शेयर की थी बट वो रेसिपी तो आउट हो गई है, कट हो गई है. तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ. बट अभी आप लोग देख सकते हैं मैं रात का खाना बना रही हूँ. रात के खाने में मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ और हमने आलू की रसीलीदार सब्जी बनाई थी. चलिए गाइज, आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी. आज मैंने इस वीडियो में आपको कुछ भी खास नहीं दिखाया है, बस आपको यही दिखाया है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश आई है और मौसम एक अच्छी सी ठंडक लेके आ गई. सो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की छोटी सी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. तो चलिए, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय.